computation of taxable value of services. ये स्टार्ट कर रहे हैं अपन, ठीक है, सेवाओं का कर योग्य मूल्य, ठीक है। अब इसमें देखो, हमने जीएसटी में अभी तक जो भी पढ़ा गुड्स से रिगार्डिंग पढ़ा, गुड्स के भी हमने दो टाइप के प्रैक्टिकल्स किए, एक मैन्युफैक्चरर के, ठीक है, और जब ये डीलर का रहता है या फिर ट्रेडर का, व्यापारियों के लिए, है ना, एक उत्पादक और एक व्यापारियों के लिए। अब हम किसका करेंगे, सर्विसेज का करेंगे। अब नेक्स्ट इसमें देखो, सर्विसेज का कैलकुलेशन भी गुड्स के जैसे ही होगा। डिफरेंस इसमें क्या आता है, हम जब गुड्स का करते थे तो जैसे उसके कोई एक्सपेंसेस होते थे उसके रिगार्डिंग, तो हम उसमें से उसको माइनस कर देते थे, लेकिन सर्विस में हम क्या करेंगे, जो भी एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है, जो उस सामान से रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे, सपोज उस सर्विस के रिगार्डिंग कोई एक्सपेंसेस हैं, तो हम इसमें उस एक्सपेंस के लिए इसको लेस नहीं करेंगे। याद रखना कॉन्सेप्ट में, ठीक, हम जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी सर्विस की, तो उस पे पूरे पे टैक्स लगेगा, सर्विस पे उस सर्विस से रिगार्डिंग कोई एक्सपेंस है तो उसकी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। ये याद रखना आप लोग, उसमें आ रहे समझ में, हमें एक बार फिर से बताइए ना। एक एग्जांपल ले रहे हैं फोटोग्राफी, ठीक है, तो एक फोटोग्राफर है, उस फोटोग्राफी के लिए वो कितना रुपए चार्ज कर रहा है, 1000 रुपीज, ठीक। अब इसके लिए उसको क्या एक्सपेंस लगता होगा, उसका रोल का, है ना, डेवलपिंग चार्जेस, ठीक है, और क्या लगता है इसमें, उसका रेंट वगैरह जो भी लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी और रेंट। तो सपोज ये रोल, डेवलपिंग, ये सब चार्जेस 600 है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह इसके चार्जेस हैं 100, तो इसका टोटल एक्सपेंस कितना हो रहा है इसमें, 700 लग रहा है, आ रहा समझ में। तो और वो कस्टमर से कितना चार्ज कर रहा है अपनी फोटोग्राफी का, 100 रुपीज, ठीक। तो 100 में से ये जो इसके एक्सपेंसेस हैं, ये सॉरी 1000 में से इसके जो 700 है ये इसको डिडक्शन नहीं मिलेगी, ये 300 इसकी प्रॉफिट होगी या फिर ये इनकम होगी इसकी। तो जीएसटी में ये फोटोग्राफी किस कैटेगरी में आता है, सर्विस देना, ये कोई गुड्स बेचना तो है नहीं, तो जब हम जीएसटी कैलकुलेट करेंगे तो इसके पूरे 1000 पे करेंगे। तो मैंने क्या बोला, उससे रिगार्डिंग कोई एक्सपेंस है तो उसकी इसमें डिडक्शन नहीं मिलेगी। आ रहा है समझ में? यस मैम। नेक्स्ट देखो, इसमें क्यों नहीं लगेगी, इसका कॉन्सेप्ट भी आगे क्वेश्चंस में क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब देखो, तो ये पूरा 1000 है, इस पे पूरा का पूरा जीएसटी लगेगा। नेक्स्ट देखो, इसमें सपोज जैसे ये है, अगर ये लोग कुछ सेल करते हैं, सपोज ये लोग कुछ सेल कर रहे हैं, जैसे फोटोग्राफर है, अगर वो कुछ सेल करता है तो वो क्या सेल कर सकता है, जैसे अनएक्सपोज्ड फिल्म होती है ना, ये लोग अपने कस्टमर को सेल करते हैं कभी कभी, या फिर क्या होता है, जैसे रील वगैरह हो गई या ब्लैंक सीडी वगैरह होती है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये सब सेल करते हैं। तो जो ये सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर कभी कभी गुड्स भी ये लोग क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो उस टाइम पे क्वेश्चन पे प्रॉब्लम क्या आएगी, कि आप लोग अब सर्विस सिर्फ ऐड करेंगे या फिर ये जो गुड्स भी सेल कर रहे हैं इसको भी ऐड करेंगे। तो हम अगर ये कोई गुड्स सेल करते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा इनकम बोलते हैं अपन इसको, तो वो भी हम उसमें ऐड करेंगे, ठीक। जैसे रिपेयर्स वाले होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, कभी कभी कुछ टूल्स वगैरह सेल करते हैं, या फिर अगर जो ब्यूटी सेंटर होते हैं, है ना, या पार्लर्स वगैरह, तो वो अपने कस्टमर्स को क्या ब्यूटी कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, लोग गुड्स सेल कर रहे हैं ना अपनी सर्विस के रिगार्डिंग, तो इन सबको भी हम ऐड करेंगे। सपोज जैसे कोई सर्विस स्टेशन है तो वो लोग लुब्रिकेंट्स, है ना,
कूलेंट प्रोडक्ट्स ये सब सेल करते हैं, तो ये क्या है एक तरीके से गुड्स, तो हम इनको भी उनके जब कैलकुलेशन करेंगे सर्विस का तो इसमें भी उसका अमाउंट ऐड करेंगे। प्रोसीजर टू सॉल्विंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, देखो कैसे सॉल्व करना है। फर्स्टली प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ वेरियस सर्विसेज प्रोवाइड बाय द एसईसी, ठीक है। अगर सर्विस टैक्सेबल है तो उसको अमाउंट कॉलम में लिखना है। इफ सर्विस इज नॉट टैक्सेबल, कुछ सर्विसेज या बहुत सारी सर्विसेज वो टैक्स फ्री हैं, तो आप उसकी भी एक लिस्ट बनाते चलेंगे। नेक्स्ट, इफ द सर्विस प्रोवाइडर सप्लाइज एनी गुड्स टू इट्स क्लाइंट, जिसे मैंने अभी बताया, इट इज नॉट ट्रीटेड एज इट सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर जीएसटी, बोथ आर टैक्सेबल, देयरफॉर जीएसटी टैक्स कैलकुलेटेड बोथ ऑन प्रिस्क्राइब रेट्स। देखो उसमें क्या लिखा है, जैसे सर्विस प्रोवाइडर है अगर वो गुड्स सप्लाई करता है तो वो उसको ना गुड्स के जैसे ट्रीट नहीं करेगा। यहाँ पे गुड्स के जैसे ट्रीट करने से मतलब है, जैसे अपन वो गुड्स के लिए प्रोफॉर्मा बनाते थे ना, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, तो उसके लिए अलग से प्रोफॉर्मा नहीं बनेगा, वो सर्विस वाले प्रोफॉर्मा में ही हम उसको ऐड कर देंगे। इसके बोलने का मतलब ये है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, देयर इज नो रिबेट फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड। ये देखो कोई रिबेट नहीं मिलेगा, मैंने बताया अभी वो फिल्म रोल डेवलपिंग वगैरह का या फिल्म और मटेरियल कंज्यूम फॉर सर्विसेज प्रोवाइडिंग, अगर ऐसा आपके क्वेश्चन में दिया है तो वो आपको उसको अवॉइड करना है। अब देखो आइटम्स इंक्लूडेड इन द टैक्सेबल सर्विसेज, कौन कौन से आइटम एग्रीगेट में टोटल होंगे, कमीशन, देखो कमीशन, ब्रोकरेज बाय अ ब्रोकर ऑन सेल ऑफ परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, फिर नेक्स्ट यहाँ देखो अमाउंट ऑफ प्रीमियम चार्ज बाय द पॉलिसी होल्डर, फिर कमीशन रिसीव्ड बाय एयर ट्रेवल एजेंट्स, नेक्स्ट देखो इंश्योरेंस वगैरह का जो कमीशन रहता है, देखो LICs वगैरह एक सर्विस कंपनी है ना, तो इनके ये जो सर्विस वगैरह का, देखो द कमीशन फॉर एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय रेल ट्रेवल एजेंट फ्रॉम द रेलवेज, तो ये सब अमाउंट उसमें ऐड हो जाता है। नेक्स्ट देखो आफ्टर टोटलिंग ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज जीएसटी शैल बी कैलकुलेटेड इन द फॉलोइंग मैनर, अगर जीएसटी अलग से दिया है तो रेट अपॉन 100, अगर उसमें जीएसटी इंक्लूडेड है तो वही सेम इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। क्लियर है यहां तक? कुछ पॉइंट्स देखो, जैसे रेलवे वगैरह है ना, इन सब में जीएसटी का रेट कितना लगेगा, जैसे इकोनॉमी क्लास है, ठीक है, सॉरी इकोनॉमी क्लास वगैरह से कर रहे हैं तो 12%, लेकिन अगर रेस्टोरेंट वगैरह पे करेंगे तो 5% से लगेगा टैक्स, याद रखना। और इसके अलावा ये ट्रैवलिंग पे है ना 12% है, रेस्टोरेंट पे 5%, और अगर इसके अलावा जो अदर्स आएगा उस पर सपोज 80% पे आएगा रेट, वैसे यही चलेगा। और अगर कुछ हुआ तो वो आपको बता देगा इसमें कि क्या कैसे चेंजेस आने हैं। कुछ ऐसे गुड्स होंगे जिसपे 28% आएगा, जैसे कि गैम्बलिंग वगैरह है, ठीक, जैसे IPL वगैरह है ना, बहुत लोग उसमें गैम्बलिंग करते हैं, या फिर IPL की जो टिकट्स वगैरह मिलती हैं उसपे 28% का टैक्स लगता है। जैसे मूवीज वगैरह का है, इसमें 2-3 स्लैब चलते हैं, टिकट के रेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो 18 पे जाएगा कि 12 पे जाएगा कि 28 पे जाएगा। क्वेश्चन देखो, विजिलेंस एडवर्टाइजर, देखो एडवर्टाइजिंग कंपनी है, ठीक है, एजेंसी है, ये उसका डिटेल्स है। देखो टेलीविजन पर प्रसारण के विज्ञापन हेतु समय खंड, टाइम स्लॉट, कितने का टाइम स्लॉट है, सप्लाई ऑफ टाइम स्लॉट 630,000 में, जो टेलीविजन पे ब्रॉडकास्ट होता है उसको देखो इन्होंने कितने में उसको किया, 630,000। नेक्स्ट देखो LG लिमिटेड के लिए विज्ञापन तैयार करने हेतु एडवर्टाइजमेंट रेडी कर रहे हैं LG इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, कितने का, 450,000 का। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट वाया बैनर एट पब्लिक प्लेसेस, कितने का, 200,000 का। कमीशन चार्ज कर रहे हैं फॉर कैनवसिंग एडवर्टाइजिंग, देखो 350,000 यहाँ पे। सेल ऑफ टाइम स्लॉट फॉर एडवर्टाइजमेंट ऑन FM रेडियो, देखो टाइम स्लॉट सेल किया 360,000। चार्जेस फॉर एडवर्टाइजमेंट इन दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर, कितना, 540,000। कंप्यूट द टैक्सेबल सर्विसेज एंड जीएसटी पेबल देयर ऑन इफ ऑल चार्जेस आर,
एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, टैक्स रेट प्रिंट मीडिया पे 5% है और अदर सर्विसेज पे 18% है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट देखो जैसे दिया रहता है ना सेम वैसे ही नोट करना, सप्लाई ऑफ टाइम स्लॉट ऑफ एडवर्टाइजमेंट कितने का है, 6,30,000 का। नेक्स्ट देखो एलजी लिमिटेड के लिए एडवर्टाइजमेंट है कितने का, 4,50,000। फिर एडवर्टाइजमेंट वाया बैनर एट पब्लिक प्लेसेस 2,00,000 का। फोर्थ कमीशन चार्जेस फॉर कैनवसिंग एडवर्टाइजमेंट 3,50,000। फिफ्थ पॉइंट सप्लाई ऑफ टाइम स्लॉट 3,60,000। सिक्स पॉइंट एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर दिया है कितने का दिया, देखो 5,40,000। टोटल करो अब इस पे जीएसटी लगाओ। प्रिंट मीडिया पे 5% बोल रहा है और अदर सर्विसेज पे 18%, तो ऐड जीएसटी पेबल ऑन टैक्सेबल सर्विसेज। फर्स्ट है प्रिंट मीडिया, देखो प्रिंट मीडिया पे कौन कौन सा अमाउंट है, देखो ये, देखो ये तो डिजिटल है एडवर्टाइजमेंट टेलीविजन पे, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स भी एडवर्टाइजमेंट वाया बैनर एट पब्लिक प्लेसेस, तो ये बैनर भी प्रिंट मीडिया में नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कमीशन चार्जेस, ये प्रिंट मीडिया पे जा रहा है सिर्फ एक, ये देखो दैनिक भास्कर न्यूज पेपर। मैम बैनर वाला क्यों नहीं गया मैम? क्योंकि उसको नहीं कंसीडर करते हैं प्रिंट मीडिया में। प्रिंट मीडिया में आता है क्या बेटा बैनर्स वगैरह? थोड़ा दिमाग लगाओ तुम, किस में आएगा बैनर्स? क्या होती है, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स होती हैं, उसको नहीं काउंट करेंगे प्रिंट मीडिया बेटा। प्रिंट मैम बैनर पे तो प्रिंट ही हो। 5,40,000 लो सीजीएसटी और एसजीएसटी पे लगाओ इसको। प्रिंट मीडिया पे 5% बोल रहा है तो 5,40,000 का 5% लो। कितना है अमाउंट? नेक्स्ट मैम 13,500। यहाँ साइट पे लिख रही हूँ मैं अदर आइटम्स का
18% का सीजीएसटी एट द रेट 9% और एसजीएसटी एट द रेट 9%, तो कितना बचा? 25,30,000 में से 5,40,000 गया, तो ₹19,90,000 इसका इंटू 9 डिवाइड बाय 100 करो, 179,100 टोटल कर दो टैक्स को, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सर्विसेज में, तो टोटल करोगे 25,30,000 में यहाँ ये जीएसटी और ये जीएसटी, तो टोटल हो जाएगा 385,200। देखो जैसे ये बैनर ऐड है, अगर तुम ये बनवाने जाओगे तो इसके लिए जो शॉप वाला है वो आपसे कितनी चार्ज करेगा सर्विसेज? सपोज 250 से 300 अगर आप इसको प्रिंट करवा के लेके आओगे तो। सेम अगर आप न्यूज़पेपर परचेज करके आएंगे तो कितने में परचेज करके आएंगे बताओ? 250 रुपये में परचेज करेंगे एक दिन का न्यूज़पेपर की 3 से 10 रुपये के बीच में? अगर वो इंटरनेशनली हिंदी पेपर होगा या इंग्लिश पेपर होगा जैसे द हिंदू, तो उसका एक दिन का मिनिमम कॉस्ट है 10 रुपीज, लेकिन अगर आप हिंदी पेपर लेते हैं दैनिक भास्कर तो 3 रुपए। तो रेट दिख रहा है आपको, तो अगर जीएसटी रेट्स भी ऐसे ही डिफाइंड होते हैं, और प्लस न्यूज़पेपर वगैरह पे तो जी नहीं है। सेकेंड, जो न्यूज़पेपर है वो गुड्स में आता है, हमने कल किया था याद आया आपको, जो न्यूज़पेपर थे वो किस में आते थे? गुड्स की कैटेगरी में। आ रहा है समझ में? यस मैम। तो नेक्स्ट टाइम अगर कंफ्यूजन है आप लोगों को कि कौन सा प्रिंट मीडिया में आएगा या कौन सा डिजिटल मीडिया में आएगा, तो आप सिंपल सा एक कैलकुलेशन करना, जो मीडिया प्रिंट मीडिया सपोज जो टेक्स्ट में रिटन है ना, जिसमें टाइप कर रहे हैं, वो हो जाएगी प्रिंट मीडिया, और इसके अलावा जो भी बचेगा वो हो जाएगा डिजिटल मीडिया। ठीक है, अब आप लोग पैम्पलेट वगैरह को काउंट कर रहे हैं बैनर एड में, तो मैं आपका कुछ नहीं कर सकती है ना। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये ना एकदम टिपिकल बेसिक एक क्वेश्चन है, इतना इजी आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, याद रखना। सर्विस का थोड़ा सा टफ ही रहेगा उसमें, तो आज फर्स्ट क्लास है सर्विसेज की, इसे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ये सिंपल क्वेश्चंस लिए हैं। नेक्स्ट देखो, अब ये देखो क्वेश्चन, मॉडर्न ब्यूटी पार्लर है, ठीक है, ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है किसको? लेडीज एंड जेंट्स। नेक्स्ट देखो, फेशियल मैनिक्योर ब्राइडल हेयर कटिंग प्लास्टिक सर्जरी, ये सब उसके देखो सर्विसेज हैं। द पार्लर इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, पार्लर को उपरोक्त सेवाएं प्रदान करने में निम्नलिखित व्यय करना पड़ा। अब एक बात बताओ मेरे को, जैसे एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। देखो ये सौंदर्य प्रसादन, इनका कॉस्ट कितना है? 1,68,500। और यहाँ पर देखो अलग अलग चार्जेस करते हैं इनसे, तो ये जो गुड्स ये लोग यूज करते हैं इस सर्विस में, समझ में आ रही है बात? ये लोग जो गुड्स यूज करते हैं, ये जब सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, तो जब ये लोग गुड्स परचेज कर रहे होंगे तो उस पर तो ऑलरेडी जीएसटी पे किया होगा ना। Yes,
ठीक है yes, ma'am. लेकिन जब ये लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ठीक, तो इसमें ये लोग वही गुड्स क्या करते हैं, यूज करते हैं, इसलिए इनको उसमें डिडक्शन नहीं दी जाती है, क्योंकि ये लोग उस गुड्स को जो ये लोग यूज करते हैं इसके एंड कंज्यूमर हैं। समझो कॉन्सेप्ट, समझो ये जो गुड्स हैं हम अगर इनको इसमें डिडक्शन देंगे, समझो, तो लेकिन इन लोगों ने जो गुड्स लिया ये फेशियल मैनिक्योर ये ब्राइडल चार्जेस वगैरह के, जो ये लोग ये जो यूज कर रहे हैं, ये लोग तो इस प्रोडक्ट के क्या है, कंज्यूमर है ना, ये लोग सेल कर रहे हैं इसको, जो इनको डिडक्शन मिलेगी, बताओ मैं कहूं, ये लोग इसके एंड कंज्यूमर है, ये लोग इसको यूज कर रहे हैं, और इसको यूज करने के बाद ही ये लोग क्या दे रहे हैं, इस चीज की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट आ रहा है समझ में, मैं क्या बोल रही हूँ आप लोगों को? कंफ्यूजन बताओ, किसको किसको कंफ्यूजन हुआ? मैम मेरे को, मुझे भी मैम कंफ्यूजन, क्या कंफ्यूजन हुआ बताओ? मैम वो एंड यूजर है मैम, तो उसमें डिडक्शन नहीं मिलेगा, ऐसा है क्या मैम? इसमें कॉन्सेप्ट, अपन कंज्यूमर्स हैं ठीक है, हम किसी चीज को सपोज कंज्यूम करते हैं जैसे, तो हमको उसकी डिडक्शन क्यों मिलेगी, एक बात बताओ। जैसे अगर आप लोग फोटोकॉपी का एक शॉप ओपन करके बैठते हैं सपोज, ठीक है, तो आपको उस फोटोकॉपी बिजनेस के लिए क्या क्या चाहिए, लैपटॉप, जेरोक्स मशीन चाहिए, प्लस ये सब चीजें आपको क्यों रिक्वायर्ड है, पेपर्स, ताकि आप अपनी सर्विस अच्छे से प्रोवाइड कर सकें, इसलिए है। तो ये एक तरीके से आपकी कंपनी की क्या है, एसेट्स है, समझ में आ रही है बात? यस। तो आप इसकी डिडक्शन कैसे ले सकते हैं, कुछ लॉजिक क्लियर हो रहा है, सर्विसेज में क्यों अलग है ये सारी चीजें? तो हमेशा याद रखना, सर्विसेज में हम डिडक्शन नहीं देंगे। जैसे कॉस्मेटिक्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये किनके लिए, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं प्रिपेयर करती हैं बताओ, पार्लर्स वगैरह के लिए ना, कि वो लोग परचेज करेंगे, तो ये लोग क्या है, कंज्यूमर है, ये लोग उसको यूज कर रहे हैं और अपना बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये क्या हो गई, एसेट हो गई। क्लियर हुआ? यस मैम।